हाय गाइस, दिस इज़ हाजिक एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग स्टफ़। सो हमारा आज का प्रोजेक्ट है एक हीट गन कम हेयर ड्रायर। सो इसको बनाना बहुत ही ईजी है, सो वीडियो के एंड तक बने रहे। सो ये वाला डिफ्यूज़र लगा के हम इसको हीट गन बनाते हैं और इस वाले डिफ्यूज़र से हम इसको हेयर ड्रायर बनाते हैं। सो इसमें जो ये स्विच देख रहे हैं आप, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। सो चले इसे बनाते हैं। सो ये मेरे पास एक पुराना हेयर ड्रायर था जो ख़राब हो चुका था। सो मैंने इसका हीटिंग एलिमेंट निकाला है। सो हम इसी के हीटिंग एलिमेंट को इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। सो ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। सो यहाँ पर मैंने इसमें ये रेक्टिफायर ब्रिज बना लिया है 1/4007 डायोड से। सो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये इसी का डायग्राम है। सो यहाँ पर मैंने मोटर के एक टर्मिनल के साथ डायोड का नेगेटिव और मोटर के एक टर्मिनल के साथ डायोड का पॉजिटिव लगाया है और ये दो एंड इसमें हम एसी पावर देंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली एसी से लगाएंगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए हम इसको हीटिंग एलिमेंट के साथ लगाएंगे। सो ये मेरे पास एक टिन कैन है। सो इसका ये वाला हिस्सा हम काट देंगे। सो मोटर को इस पे लगाने के लिए हम इसमें ये पाइप लगाएंगे। तो ये पाइप इसमें फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको आगे से थोड़ा जला लिया है और इसको बैंड कर लिया है। सो अब ये इसमें अच्छे से आ सकता है। सो इस पाइप का एक और फ़ायदा है कि हम इसमें मोटर आराम से फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये टिन ज़्यादा हीट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टिन उतना हीट नहीं होता है। तो इस हीट गन का हैंडल बनाने के लिए हम इसमें ये पीवीसी पाइप का यूज़ करेंगे। सो मैंने ये होल इसमें वायर के लिए कर लिया है। सो ये पाइप इसमें अच्छे से फिट बैठे, इसके लिए हम इसको जला रहे हैं। सो ये वायर हम इस पीवीसी पाइप में पहले ही डाल देंगे। सो अब हम मोटर के साथ इस एलिमेंट का कनेक्शन करेंगे। सो इस कॉइल के दो एंड के साथ हमें एसी पावर सप्लाई डायरेक्ट देना है। सो ये जो है ये इसका एक एंड है और ये इसका दूसरा एंड। सो हम इसका एक एंड यहाँ पर कॉइल के बीच में सोल्डर कर देंगे और यहाँ पर इस दूसरे एंड को हम कॉइल के दूसरे वाले एंड के साथ सोल्डर कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने इस वायर को स्विच के लिए काट लिया है, इसके बीच में हम स्विच लगाएंगे। इन दोनों वायर्स को हम कॉइल के दोनों एंड के साथ सोल्डर कर देंगे। सो इतना करने के बाद आप इसको पहले टेस्ट करना कि मोटर कहाँ से हवा दे रहा है। अगर मोटर हवा पीछे की तरफ से दे रहा है तो आपको इसके कनेक्शन उल्टे करने पड़ेंगे, यानी जो आपने मोटर के दो कनेक्शन एलिमेंट के साथ किए थे, आपको उन दो कनेक्शन को आपस में बदल कर सोल्डर करना होगा। मोटर का फैन इस पे फिट बैठे, इसलिए मैं इसको थोड़ा जला रहा हूँ। सो यहाँ पर हम इस पीवीसी पाइप में ये स्विच लगाएंगे। हमने जो वायर को दो एंड में काट लिया था, सो हम वही दो एंड इस स्विच में लगाएंगे। सो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरू में तो कोई और स्विच था, सो ये यहाँ पर कैसे? सो वो भी आपको पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक के ढक्कन को काट लिया है। सो इसको हम इस पीवीसी पाइप के नीचे लगाएंगे। अब हम इस हैंडल को इस ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगे। इस वाले टिन को हम ड्रायर के लिए यूज़ करेंगे। ये मेरे पास पुराने हेयर ड्रायर का आउटलेट ग्रिल है, इसको हम हेयर ड्रायर के ऊपर लगाएंगे। इसको हम सीधे टिन के अंदर नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैं ये एल्युमिनियम रिंग ले रहा हूँ। सो इसको हम पहले इसके ऊपर लगाएंगे। सो इन दोनों को बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर टिन के ऊपर एरल्डाइट लगा दिया है। सो अब हम इसको सूखने के लिए रखते हैं। सो जब तक वो सूख के तैयार हो जाता है, तब तक हम इसमें ये हीट गन का डिस्पेंसर लगाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे। सो इसमें से बहुत तेज़ हीट आ रही है। सो जैसा कि आप इस फोम पे देख सकते हैं। सो अब हम इस पीवीसी पाइप को इस हीट गन की मदद से मोड़ेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने आराम से इसको बेंड कर लिया है। इसमें से बहुत तेज़ हीट आ रही थी, इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें ये स्विच लगाएंगे। ये स्विच असली में इस ड्रायर में ही था, हम इसको इसी में यूज़ करेंगे। हम इस स्विच को फुल के लिए हीट गन के लिए रखेंगे और हेयर ड्रायर के लिए हम इसको बीच में रखेंगे। अगर हम इसको सिर्फ हीट गन के लिए यूज़ करते तो ये बहुत अच्छी हीट दे रहा था, लेकिन हमें इसे हेयर ड्रायर के तौर पर भी यूज़ करना था, हमारे बाल इतनी हीट से ख़राब हो जाते, इसीलिए मैंने इसमें ये स्विच लगाया। अब इसमें से बहुत अच्छी हीट आ रही है, इतनी हीट से अब हमारे बाल ख़राब नहीं होंगे।